हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आपको पढ़ा रहे थे, हमने पिछले टाइम पे हेडिंग लड़वाई थी, गुड़सूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यही तो लड़वाई थी। सही है, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना। तो देखिए, गुणसूत्र की संरचना, जैसा हमने बताया कि गुणसूत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कहाँ होता है, कैसी संरचना, क्या कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब उसकी संरचना बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए, संरचना कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसी संरचना है, पहले हम स्ट्रक्चर समझा रहे हैं पूरा ऑल ओवर एक जैसा, ठीक है। इसके बाद लिखने का तरीका बताएं, कैसे आप लोग लिखोगे। देखिए, इसके ऊपर जो आवरण है, ये इसे कहते हैं पेलिकिल का आवरण। हिंदी में भी यही लिख सकते हो, पेलिकिल, ठीक है। इसके अंदर जो द्रव भरा है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये इन्हें कहते हैं क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा, ठीक है। इसके बाद इसमें छोटे छोटे गोले जैसे, कण जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमोमिया, क्रोमोमिया, ठीक है। ये है प्रथम संकीर्ण, हाँ, संकीर्ण, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक। ये नीचे वाला भाग कहलाता है सैटेलाइट, जिसको आप हिंदी में भी सरलता से लिख सकते हो, सैटेलाइट, क्रोमोनियस, क्रोमोनिमेटा, ये सब हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसका अगर पूरी रूपरेखा समझेंगे, पूरा एक जैसा समझाते हैं, फिर लिखना बताते हैं, कि गुणसूत्र एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जैसा हमने पिछले टॉपिक में बताया था। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है, ये ऐसी रचना है, ठीक। इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण होता है, या एक झिल्ली से घिरा रहता है, जो गुणसूत्र के आवरण का कार्य करता है, जिसे हम पेलिकिल कहते हैं। इसके अंदर तरल चिपचिपा, ठीक है, सब
दूसरा बड़ा रहता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, गुणसूत्र विभाजन के समय संघनित होने में सहायता करता है, कंट्रक्शन होने में सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो घूमी हुई रेखाएं दिखाई देती हैं इसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे क्रोमोमियर्स कहते हैं, ठीक है। एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से जुड़ता है जहाँ पर उसे हम फर्स्ट कंट्रक्शन या प्रथम संकीर्णन कहते हैं, समझ में आ रही बात। इसके बाद इसके ठीक नीचे वाले भाग को हम सैटेलाइट कहते हैं, या किसी किसी गुणसूत्र में दो तीन संकीर्णन होता है जिसके नीचे के भाग को गोल रचना होती है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। रचना सिर्फ इतनी है बेटा, लेकिन लिखनी कैसी है ये देखिए, ये सिर्फ समझाया है हमने, लिखने का तरीका देखिए। पहले हम डालेंगे गुणसूत्र की संरचना, कॉपी पे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, गुणसूत्र की संरचना। तो गुणसूत्र की संरचना में पहले क्या डालेंगे, पेरिकिल। हेडिंग पहले क्या डालेंगे, पेरिकिल। तो पेरिकिल में क्या लिखेंगे कि गुणसूत्र के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है, एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे हम पेरिकिल का आवरण कहते हैं, या गुणसूत्र एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है या पर्त के द्वारा घिरा रहता है जिसे हम पेरिकिल का आवरण कहते हैं। दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे कि गुणसूत्र के अंदर तरल अर्ध तरल चिपचिपा पदार्थ जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होने में सहायक होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, क्रोमोनिमेटा। क्या डालेंगे, क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा में क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये इसके अंदर गहरे रंग के दाने जैसी कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोमियर कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। इसके बाद अगली हेडिंग क्या डालेंगे, सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु क्या डालेंगे, गुणसूत्र बिंदु। सेंट्रोमियर है क्या, ये है सेंट्रोमियर, नहीं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर्स में क्या लिखेंगे, देखिए, प्रथम, इसे हम प्रथम संकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्रथम संकीर्णन भी कहते हैं, क्योंकि सूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रीय पदार्थ अत्यंत पतले तंतुओं के रूप में बदल जाते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में आपको गुणसूत्रीय विभाजन बताया था, समसूत्री विभाजन, तो उसमें बताया था कि गुणसूत्र संघनित होकर के पतले छोटे धागे में बदल जाते हैं, ठीक है, तो तंतुओं में बदल जाते हैं जिसे हम प्रथम संकीर्णन कहते हैं या सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इतनी बार समझ में आई, क्लियर। सेंट्रोमियर का मतलब है गुणसूत्र का एक भाग दूसरे भाग, गुणसूत्र के जो खंड होते हैं वो जुड़ने के, जहाँ वो जुड़े होते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे कैसे, सेंट्रोमियर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र संघनित होकर, मैट्रिक्स में संघनित होकर के छोटे छोटे पतले धागे तंतुओं में या धागों में विभक्त हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसे हम प्रथम संकीर्णन कहते हैं, ठीक है। और एक गुणसूत्र का खंड दूसरे गुणसूत्र से जहाँ जुड़ा होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग क्या डाल देंगे आप, द्वितीय संकीर्णन। क्या डालेंगे, द्वितीय संकीर्णन। तो द्वितीय संकीर्णन में क्या डालेंगे कि कुछ गुणसूत्रों में द्वितीय संकीर्णन भी पाया जाता है, कुछ गुणसूत्रों में द्वितीय संकीर्णन भी पाया जाता है जिसके अगले वाले भाग को या घुंडी नुमा भाग को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर, लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, सैटेलाइट। क्या डालेंगे, सैटेलाइट। देखिए, गुणसूत्र के सिरे का, मतलब गुणसूत्र पर सिरे का, गुणसूत्र पर स्थित आखिरी सिरे का गोल भाग सैटेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है,
बारे में अगर कोई पूछता है तो नमाश्चि ने सैटेलाइट का नाम दिया था नमाश्चि। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? गुणसूत्र के सिरे पर स्थित बहुत छोटी सी गोलाकार संरचना जो होती है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इसके बारे में या इसका नाम किसने दिया? नवास्चि ने। क्या किसने नाम दिया था इसको? नवास्चि। टॉपिक समझ में आया? गुणसूत्र क्या है? क्लियर हो गया? ठीक, ये हो गया गुणसूत्र खत्म हो गया। हाँ, एक चीज और है, जैसे सैटेलाइट नीचे चाहे लिख लीजिएगा, इसी इतना लिखने के बाद नीचे लिख लीजिएगा सैटेलाइट, तो जिसे हम सेट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। सेट क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेट क्रोमोसोम्स का फुल फॉर्म अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। सेट, एस का मतलब होता है साइन। क्या मतलब होता है? साइन। ए का मतलब होता है एसी। क्या मतलब होता है? एसी। ठीक है, साइन ए से एसी और टी से थाइमो न्यूक्लिनिको, न्यूक्लिनिको। क्या नाम होता है? साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको। अगर आता है सेट को क्रोमोसोम्स का पूरा नाम बताइए तो क्या नाम होता है? साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको। ठीक है, ये आपका गुणसूत्र का टॉपिक खत्म होता है। फिर अगली हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ गुणसूत्र। क्या डालेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालिए उसी के आगे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो देखो गुणसूत्र बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। एक क्या होता है? टाइप गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, पहली हेडिंग डाल लीजिए टाइप गुणसूत्र। पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप? जिसे हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं, आपने पठ्यक्रम में हमने आपको पढ़ाया है ऑटोसोम, टाइप गुणसूत्र। और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स, ये भी हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स हिंदी होती है टाइप गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो ऑटोसोम्स किसे कहते हैं बताया हमने आपको। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र या वे गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र या वे गुणसूत्र जो अन्य मतलब लिंग लक्षणों के अतिरिक्त जीन के अन्य लक्षण पर अपना प्रभाव डालते हैं। लिंग लक्षणों के अतिरिक्त जीन के अन्य लक्षणों पर अपना प्रभाव डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। हमने आपको शायद याद हो फर्स्ट ईयर में बताया था कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, एक्स एक्स करके समझाया था, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है वो असमान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। समझाया था आपको? तो ऑटोसोम्स क्या है? वही है ऑटोसोम कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़ करके जिनके अन्य लक्षणों पर अपना प्रभाव डालते हैं उसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और नंबर दो हेडिंग डाल देंगे सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो वे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जो लिंग गुणसूत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये असंजात होते हैं, यानी कि
क्लियर। ये है आपका गुड़सूत्र। इसके बाद हरी क्या डालेंगे? गुड़सूत्र के का, ठीक, हरी डालेंगे फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम गुड़सूत्र के का। तो बेटा आपको पता ही है कि गुड़सूत्र का क्या कार होता है? गुड़सूत्र आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसे हम गुड़सूत्र कहते हैं। क्लियर, ठीक है, समझ आया? तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है आज से, गुड़सूत्र पूरा एक टॉपिक खत्म हो गया। इसे आप लिखेंगे बेटा पाउज करके कर, जैसे हमने डेफिनेशन बताई है, जिस तरीके से बताया है, आप अपने नोट्स कॉपी पे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, ये टॉपिक कल रहेगा। ओके, आप अपनी कॉपी जरूर बनाइए और बेटा नोट जरूर तैयार कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आके संपर्क करिए, ये बात हम हर बात कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए। क्लियर, ठीक है, ओके, गुड डे।